हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी और आप देख रहे हैं स्टेप अप मैथ्स। सो आज लेक्चर नंबर 3, लेक्चर सीरीज 3 स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की, जो स्टैंडर्ड 9th का है। ठीक है, सो ये लेक्चर सीरीज होने के बाद आप कंप्लीटली आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। तो फोकस कीजिए, आज तीन मेथड अलग अलग हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहली बात तो देखिए, मैं जितने भी आपको मेथड्स करवा रहा हूँ उसके हिसाब से एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगे एक्सरसाइज में, तो आपको वो खुद ही सोल्व करने हैं, अपने हिसाब से आपको वो सोल्व करना है। और आपकी कुछ भी ग्रेजुएटी हो, आपको कोई डिफिकल्टी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो 1/√2, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रेशनलाइज मतलब क्या कि आपको डिनोमिनेटर को अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, अपोजिट साइन से। पर यहां तो एक सिंगल प्राइम नंबर है, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर मतलब सिंगल रेशनल नंबर है, तो यही नंबर से हम उसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही एक मेथड है। सो 1/√2, इसको मैं रेशनलाइज करूंगा तो वही नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। अब मल्टीप्लीकेशन हमेशा सामने सामने होता है, तो √2 1 √2 एंड √2 × √2 इट विल बिकम 2। सो नाउ ये आपका आंसर हुआ यहां तक, दैट्स इट। सी, इट्स वेरी इजी, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में सिर्फ इतना ही करना है आपने। नेक्स्ट 1/7 + 3√2। सो नाउ इसको रेशनलाइज करें, 1/7 + 3√2, वी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ ऑपोजिट साइन। सो इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई ने डिवाइड किया, अब मल्टीप्लीकेशन सामने सामने होगा। 7 − 3√2 1 = 7 − 3√2। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, 7 7 = 49 प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9 एंड √2 × √2 इट विल बिकम 2। देन 7 − 3√2 इन द डिनोमिनेटर 49 माइनस 9 2 = 18। Then 7 − 3√2 divided by 49 − 8, it will become 31. तो दिस इज योर आंसर। सो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे, कोई भी रेशनलाइज डिनोमिनेटर वाले एग्जाम्पल को। नाउ दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1/2 + √3 विल मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन, 2 − √3 2 − √3, इसे रेशनलाइजिंग कहते हैं। नाउ सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, 2 − √3 1 = 2 − √3, अगेन इन द डिनोमिनेटर 2 2 = 4 प्लस माइनस माइनस √3 √3 3 एंड आवर आंसर इज 2 − √3, बिकॉज 4 − 3 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो दैट डजंट मीन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, √7 − 2 विल मल्टीप्लाई विद द अपोजिट साइन, √7 + 2 √7 + 2 सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, √7 + 2 1 = √7 + 2 √7 √7 इट विल बिकम 7 माइनस प्लस माइनस √2 √2 सॉरी 2 2 = 4 एंड आवर आंसर इज √7 + 2 होल डिवाइड बाय 7 − 4 3, दिस इज अवर आंसर। सो 2 मिनट में हमने देख लिया कि किस तरह से रेशनलाइजिंग के एग्जाम्पल हमें सोल्व करने हैं। ये दोनों आपके होमवर्क है, आपको होमवर्क ये घर पे अच्छे से परफॉर्म करना है और आपकी डिफिकल्टीज आपको बतानी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड, नाउ सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज समझो, आपने जो 8th स्टैंडर्ड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, उसमें जो भी कुछ आइडेंटिटी, जो जो आइडेंटिटीज हम लगाते थे, वो सारी की सारी आइडेंटिटी हम यहां अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो कि ये 5 + √7 है, ये 2 + √5 है, चारों अलग चीजें हैं, अलग नंबर्स हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए a + b c + d यू वाला जो मेथड था सिंपल, इससे अच्छा एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझो, ये 5 को वैसा का वैसा ही लिखो, ये पूरा ब्रैकेट उसके पास में लिखो, वैसे ही √7 वी हैव टू पुट हियर रिमेन एज इट इज एंड 2 + √5 अगेन मल्टीप्लाई विद द √7। सी 5 एंड √7 दोनों को यहां पे रखा और ये ब्रैकेट दोनों से मल्टीप्लाई हुआ,
Now we 5 will multiply with this both the terms. 5 2s are 10. 5 into root 5, 5 root 5. 7 into root 7 into 2, 2 root 7. And 7 5s are 35. That's it. यह आपका आंसर है. इससे आगे इसको आपको सोल्व नहीं करना होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, रूट थ्री प्लस रूट सेवन द होल स्क्वेयर. एक चीज समझो, वेन एवर यू सी एनी द होल स्क्वेयर, यू हैव टू अप्लाई ए प्लस बी द होल स्क्वेयर. ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इस इज द फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ ए प्लस बी द होल स्क्वेयर, सपोज रूट थ्री इज अ ए, रूट सेवन इज अ बी, एंड हियर इज अ होल स्क्वेयर. सो ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर. देखा, हमने यहां अप्लाई किया है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर. रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, टू, सेवन थ्री इज 21, प्लस रूट सेवन का स्क्वायर होगा सेवन, सेवन प्लस थ्री टेन, टेन प्लस टू रूट 21 इज अवर आंसर. हाउ इट्स 10 कम फ्रॉम 7 प्लस थ्री. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5. सो आपको पता है ये कि किस तरह से यहां पे आइडेंटिटी हम यूज करेंगे. सिंपल, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है. ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो आइडेंटिटी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. उसको इस तरह से भी आप इस एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हो, बट ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो इट विल बिकम सिंपल. ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ए स्क्वेयर, ए यहां पे 5 है, तो 5 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स रूट 5 स्क्वेयर. 5 का स्क्वेयर इज एट 25 एंड रूट 5 का स्क्वेयर होता है 5. 25 माइनस 5 आंसर इज 20. अब ये वाला एग्जांपल भी आपने देख ला है. जो देखो क्या है यहां पे, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी. तो सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी वाली. तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. द स्क्वायर ऑफ रूट 11 दैट इज 11, द स्क्वायर ऑफ रूट 7 इज 7 एंड आवर आंसर इज 4. तो आपने देखा ये एक्सप्रेशंस को सोल्व करना कितना इजी है. सो ये चारों आपके होमवर्क है. आप देख सकते हो यहां पे, इसमें आप a प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करोगे. इसमें आइडेंटिटी आपकी यही आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी सी प्लस डी वाली. और ये है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ये दोनों में जो आइडेंटिटी यूज की है इसमें ये करनी है. ओके, तो मेथड नंबर टू इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर स्टार्टिंग मेथड नंबर थ्री. नाउ दिस इज मेथड नंबर थ्री, एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. सी, अभी आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, जो भी कुछ अभी अभी हमने देखा है, वो सब आपका 8th स्टैंडर्ड में आ गया है. ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट जो आपका चैप्टर था, ये इसका ही यहां पे एप्लीकेशन है. तो चला देखें, एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. सबसे पहले तो यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो आपको वहीं से ही आपको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, 64. तो हमें पता है कि ये होता है 8 का स्क्वायर होता है 64. समझ में आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64 होता है एंड दिस 1 बाय 2 इज ऑलरेडी मल्टीप्लाई विद दिस पावर. पावर के साथ ही हमेशा मल्टीप्लीकेशन में रहेगा और ये 2 2 कैंसिल हो गया. 8 की पावर 1, द पावर ऑफ 8 एक है, तो हमारा आंसर आएगा 80, क्योंकि किसी की पावर 1 होती है. द आंसर रिमेन्स इट इज. नाउ अगेन यहां पे लिखा हुआ है 5, तो कौन से नंबर का 5 पावर 32 होता है, जरा रिमाइंड कीजिए. तो आप 2 रेस टू 5 करोगे तो आपको 32 मिलेगा. 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32. तो 2 रेस टू अगर हम 5 करें तो हमें 32 मिलता है. और ये 1 बाय 5 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही है. ये 5 5 कैंसल, अगेन हमारा आंसर आएगा यहां पे 2. सी, एकदम इजी है ये. नाउ यहां पे लिखा हुआ है 3, 125 एंड 3, मतलब कौन से नंबर की, कौन से नंबर का क्यूब 3 पावर हमें 125 मिले.
सो आप जानते हो कि ये फाइव ही हो सकता है, फाइव का क्यूब होता है 125, तो ये 3 3 कैंसल, हेयर वाला आंसर इज 5। ओके, तो ये तीनों एक ही तरह के एग्जाम्पल थे। नाउ दिस इज 16। 16 16 हम देखें तो यहां पे लिखा हुआ है 4, तो कौन से नंबर की फोर्थ पावर 16 होती है? तो ये होता है 2। 2 रेस टू 4 होता है 16, और ये 3/4 इसके साथ अगेन मल्टीप्लाई में ही रहेगा। 4 4 यहां कट हो जाएगा और 2 का क्यूब यानी हमारा आंसर आएगा यहां पे 8। तो इसको सॉल्व करना एकदम इजी है। अब यहां पे आप ये देख सकते हो एग्जांपल, डिवाइड में दोनों जगह पे 11 है। इसका मतलब देखो, जब भी ऐसे कोई दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तब उसके पावर ऐड होते हैं, और ये जब भी ये दो नंबर डिवाइड में होते हैं तो उसके पावर हो जाते हैं माइनस। तो इसका मतलब होगा 11, 1/2 एंड 1/4 हो जाएंगे यहां पे माइनस। सो 11 अगेन यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 1 4, 2 1 2, 4 2 8। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 4, 2 1 2, 4 2 8, 11, 4 2, आंसर आएगा 2, 8 रिमेन एस इट इज। सो इसको हम कट करें तो हमारा आंसर आएगा 11 रेस टू 1/4। ये मैंने प्रोसीजर की, क्योंकि ये डिवाइड में है इसलिए मैंने यहां पे माइनस लगाया। अगर ये मैंने दोनों मल्टीप्लाई में होते तो मैं यहां पे बीच में प्लस लगा देता। ठीक है, नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस लेक्चर। यहां पे ये नंबर्स मैच नहीं कर रहे, बेस मैच नहीं कर रहे हैं, बट यू सी यहां पे पावर मैच कर रहे हैं। पावर मैच कर रहे हैं, सेम है, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। 7 × 8 करके पावर को एग्जैक्टली बार की तरफ कॉमन लेके जाओ। 8 7 56, और ये लिखा हुआ है 1/2। अब किसी की भी 1/2 पावर होती है, इसका मतलब वो उसका अंडर रूट है, ये आपको याद रखना है। अब आप जानते हो 14 4 14 4 होता है 56, और ये 4 है जिसका अंडर रूट होता है 2, और रूट 14 का आप अंडर रूट अभी स्प्लिट नहीं कर सकते हो, तो उसको एज इट इज रखो। इसका आंसर आया 2√14। 2 किस तरह से मिला? रूट 4 का अंडर रूट 2 होता है। सो यहां आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है। आपको एक्सरसाइज के एग्जांपल्स अभी सोल्व करने हैं, और होमवर्क के एग्जांपल्स आपको रेगुलरली सोल्व करने हैं। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल सीरीज। देखते रहें, 1:30 बजे अपलोड होती है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।